इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई को हरियाणा चुनाव के चुनाव परिणाम ने कर दिया है एक्सपोज, कर दिया है इनकी सोच का भंडाफोड़। पिछले कुछ दिनों से इस चमचे की वीडियोस और न्यूज फॉलो कर रहा था और देख रहा था मैं, ताकि ये जान सकूं कि इसके दिमाग में हरियाणा इलेक्शंस को लेकर चल क्या रहा है, आखिर ये क्या सोचते हैं हरियाणा इलेक्शन के बारे में। तो मैंने ये पाया कि इसके इन जैसों के और कांग्रेसी चमचों के हिसाब से कांग्रेस हरियाणा का इलेक्शन जीत रही है, वो भी एक बड़े मार्जिन से। पर क्या है ना, इलेक्शन रिजल्ट के दिन इन सब का कट गया, जैसा कि इस देश ने विटनेस किया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे। और आए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे राजदीप सरदेसाई का बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हरियाणा इलेक्शन को लेके। ट्रस्ट मी, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही फनी है। Tomorrow, what are you looking at where Haryana is concerned? I'm looking at the final Congress score. You know, mm-hmm. It's one of those strange elections where it seems reasonably certain because all the polls are pointing in one direction. Do you get 45 to 55? Do you get 50 to 60? Do you get 55 to 65? Or do you go above 70? I mean, is it a hawa? Is it an andhi? Is it a tsunami? It could be one of the three. तो सुना आपने, ये था इसका विचार, इसकी सोच और इसका पॉइंट ऑफ व्यू हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट को लेके 4 या 5 दिन पहले तक का। 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट ने एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया था, और ये सारे के सारे गधे उसी एग्जिट पोल को बेस बनाकर, उसी एग्जिट पोल के सर्वे को बेस बनाकर, आधार बनाकर कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो अलग बात है, इन सब की हवा निकल गई, फुस हो गई। And that hasn't happened. You're very clear that the Congress is forming government. Look, I leave all the numbers now to the pollsters. I am once bitten, several times shy after the 2024 Lok Sabha elections. But I would be very surprised, given what I saw on the ground. After a long time, I've seen such clear anti-incumbency on the ground. It's not about people wanting to bring in the Congress. True. It's about people wanting to vote out the government. You know, but that is Haryana. Haryana mein ये जो कुछ भी इन्होंने कहा और आपने जो कुछ भी सुना, ये एक्चुअली इनके दिल की बात थी। ये दिल से एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में जीत के आए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों ही पत्रकार हैं भी या नहीं, इसका मुझे पता नहीं, बट ये न्यूट्रल तो किसी भी एंगल से नहीं है। ये बात आप इनके टोन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके टोन को भी सुनकर आप महसूस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और रही एंटी इनकम्बेंसी की बात, तो ये वो अंग्रेजी शब्द है जिसको ये और इन जैसे पत्रकार आजकल टीवी पर, मीडिया पर चूरन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूरन की तरह ही टीवी पर, मीडिया पर ये और इन जैसे लोग इस शब्द को बेचते हुए देखे जा सकते हैं। एंड नाउ, हरियाणा इलेक्शन के इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद राजदीप का क्या हाल हुआ, वो भी देखना जरूरी है। चलो वही देखते हैं। चुनाव हमेशा भगाने के लिए होता है, लाने के लिए नहीं होता। इफ यू लुक एट एवरीवन हू इज कमिंग हरियाणा, माय फ्रेंड राहुल कंवर, यू नो व्हेन आई रिटायर आई विल कीप ऑल दीस एक्सचेंजेस यू एंड आई हैव विल गेट मी इनटू ट्रबल। राहुल हैज अ लार्ज फॉलोइंग ऑन ट्विटर हु इज वेटिंग फॉर राहुल टू ट्रोल राजदीप, बट आई विल स्टिल सिंग यू अ सॉन्ग। व्हाट्स द सॉन्ग? क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। किसके प्यार में? हरियाणा के प्यार में। हरियाणा का प्यार में, नहीं जलेबी के प्यार में। तो सुना आपने कैसे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए राहुल गांधी कांग्रेस, कांग्रेसी सपोर्टर और कांग्रेसी चमचों के, जिन राहुल गांधी के पक्ष में ये आंधी तूफान सुनामी वगैरह उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पक्ष में माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो फुस हो गया, वो बलून, वो गुब्बारा फट गया। हरियाणा के प्यार में क्या लुक, this was a day unbelievable. What look, song yeah. would Modi ji be singing? I'm the best. Amitabh. Koi hero yahan, koi zero yahan. I'm the best. Mr. Modi would love to sing that. वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। अरे वाह, see he's a better, he understands his Hindi music better than I do. एक बात तो है, बहुत ही बेसुरा गाता है, कोई इसको अगर सुन ले तो वो अपना सुरताल भूल जाए। एंड वन मोर थिंग, इस बेचारे को बुरा तो बहुत लगा है कांग्रेस की हार से, इसे वो छुपाने दबाने की नाकाम कोशिश भी कर रहा है, मगर क्या है ना, भारत के दर्शक भी बहुत चालाक है, बहुत ही चालू है, उनको भी अच्छे से पता है ये जो कुछ भी कर रहा है नाटक कर रहा है। You want to sing that song? No, I have a montage which will sing that song out. Okay. And that's true, Hari Bazi ko jeet kar. Just think about it, Rahul, 8 at that 9 a.m.
Pawan Khera with crackers behind him, with laddus behind him, 10 a.m. complete silence. It can only happen in this wonderful country called India. You know, that's what makes Indian elections so special. And maybe abuse the media a little less. Yeah, you know, and all kinds of... And you know, people have been taking off what I said at 9 a.m. and then 11 a.m. I will have to go by the number. इसको और इन जैसे लोगों को उनकी सही जगह, उनकी औकात बता दी हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट्स ने, हरियाणा के लोगों ने। भाई, बीजेपी कहीं नहीं जा रही और ना ही तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव इस छिपकली, इस ग्रिड के मजे लेना था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब YouTube चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।